मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह खंडवा के उत्कृष्ट स्कूल के छात्रावास पहुंचे। इस दौरान निरीक्षण करते उन्होंने छात्राओं के कमरे की स्थिति को देखा और आक्रोश जाहिर किया। ऐसे एक ही बेड पर दो छात्राओं के सोने की व्यवस्था को देखते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं। साथ ही छात्रावास अधीक्षक सहित अफसरों को सुधार के निर्देश देते हुए चेताया कि नहीं सुधरे तो सस्पेंड किए जाएंगे। तो दरअसल उत्कृष्ट स्कूल खंडवा की बालिका छात्रावास की छात्राओं को फूड पॉइजनिंग होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि कुछ ही घंटे बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। इसके सूचना मंत्री विजय शाह को मिले तो वह छात्राओं का हालचाल जानने के लिए छात्रावास पहुंच गए। वहीं छात्रावास अधीक्षक से उन्होंने जानकारी ली तो पता चला कि 50 सीटर छात्रावास में 83 छात्राओं का एडमिशन हुआ है। इस वजह से यहां एक बेड पर दो छात्राओं को एडजस्ट करना पड़ रहा है। छात्राओं को छात्रावास में मिलने वाली सामग्री में भी कोताही पाए जाने पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। कलेक्टर को मौके पर बुलाया और साथ ही भोपाल के अधिकारियों को भी फोन पर चर्चा की और सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता ठीक रहे, इसके लिए समय समय पर यहाँ जनप्रतिनिधि और अफसर आएंगे और छात्राओं के साथ भोजन करेंगे। कि कुछ खाने में खराब खाना हो गया या फूड पॉइजनिंग टाइप का कुछ हुआ और उससे कुछ हमारी बहनें अस्पताल तक जाना पड़ा, उसकी जानकारी जैसी मुझे आज आपके माध्यम से मिली कि मैं मध्य प्रदेश शासन के जवाबदार मंत्री के नाते उन बच्चियों को साथ जाकर के जिला प्रशासन के हमारे तमाम वरिष्ठ अधिकारी के साथ उनको हिम्मत बनाए, डरने की बात नहीं है। खाने में और सुरक्षा में जो सुधार हो सकता है उसकी पूरी कोशिश हम अभी कर रहे हैं।